आप क्या हो उसकी? बहन। अच्छा आप उसकी बहन हो, हमें तो पता ही नहीं था। और ही बड़ी कहते हैं। हमें तो भाई पता ही नहीं था, आप इसकी क्या हो? सही सही बताओ हमें दोबारा। ये हमारी आमना तो गंजी है, वरना इसके भी बाल कटवाते हम, हैं बाल हैं इसके छोटे छोटे से। मे भी हो सकता है हमारी आज लास्ट इफ्तार हो, और अगर आज रात को चांद नज़र नहीं आया तो इंशाल्लाह कल एक और रोज़ा मिल जाएगा, फिर कल इफ्तार भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। भाई कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? माशाल्लाह से सहरी कर लिया आज, अब कुछ पता नहीं है, आज सहरी तो कर लिए कि कल भाई हमें एक और रोज़ा मिलेगा या कल ईद हो जाएगी, ये तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा। मगर दुआ यही है कि अल्लाह करे कि एक रोज़ा और मिल जाए और हम एक और सहरी करें, एक और इफ्तार करें, और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करें। तो बस आज सुबह ही सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद, थोड़ी सी तिलावत करने के बाद, मैंने सोचा कि भाई आपसे यहीं से व्लॉग का अपना स्टार्ट कर देते हैं, और इंशाल्लाह बस कुछ ही देर में अभी मैं भी जाऊँगा, थोड़ा रेस्ट करूँगा 5-6 घंटे, फिर दोपहर में उठेंगे, फिर आपसे अपनी रूटीन शेयर करेंगे जो दिन भर की होगी, इफ्तार करेंगे इंशाल्लाह, फिर आपके साथ जो भी मतलब चीज़ें होंगी अपनी घर की रूटीन की इंशाल्लाह सब शेयर करेंगे। तो बस अभी सुबह ही सुबह सब घर वाले सो गए, मैंने सोचा थोड़ा सा आपसे बस स्टार्ट कर लेते हैं आज से व्लॉग का। रोज़ दोपहर में व्लॉग स्टार्ट करते हैं, शाम में करते हैं, तो मैंने कहा आज फजर में कर लेते हैं। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद प्यारा सा मौसम है, बाहर हवा चल रही है, तो कुछ व्यू भी आपको दिखाते हैं। आ जाएँ फिर, चलें आ जाएँ। ये देखिए ये इस कमरे में भी अंधेरा, सब सो रहे हैं, ये सिर्फ कॉमन की लाइट चल रही है, इस कमरे में भी अंधेरा, सब सो रहे हैं, और अभी बाहर चलते हैं। ये हमारा पैरेट है प्यारा सा, ये हर वक्त परेशान होता है बेचारा, ये देखें, ये बस कश्मकश में है कि कैसे निकलूं, कैसे भागूं यहाँ से। ये देखें ये ऊपर चला गया, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, जब तक मैं खड़ा हूँ ये बस अब ये ऐसे ही घूमता रहेगा। तो बस अब थोड़ा सा ये बाहर का व्यू है, बड़ी ज़बरदस्त परिंदों की आवाज़ आ रही है प्यारी प्यारी सी, तो ये उनको रिप्लाई करता रहता है। तो चलते हैं अंदर और कुछ देर के लिए हम भी करते हैं आराम इंशाल्लाह, कुछ दोपहर के टाइम में, जोहर के टाइम में इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा भाई ये देख रहे हैं, ये आज थोड़ी हमने निहारी बनाई थी, ये रोटी और ये चाय, बस आखिरी आखिरी समझ लें हमारी सहरी है। और ये देखें भाई कुछ कबाब थे, इन्होंने अपना पराठा बनवाया है। तो हाँ भाई आज रोज़े का मूड है क्या? रोमेशा आपने भी रोज़ा रखना है आज? सही सही बताओ भाई। ये देखें भाई ये दोनों तो कबाब खा रहे हैं, केचप पराठा, और ये हमारी गर्मा गर्म चाय, साथ में ये इन्होंने डॉन के बटर केक रखे हैं। ये थोड़ी सी कुछ निहारी बनाई थी आज, तो ये चिकन निहारी है भाई। और बस अभी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, खाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा नींबू काम था निहारी में, तो मैंने कहा जरा नींबू डाल दूँ इसके अंदर, फिर ज़रा मज़ा आएगा खट्टी खट्टी निहारी खाने का। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि भाई रमज़ान हमसे आहिस्ता आहिस्ता रुख से दौरा जा रहा है, बस कुछ कह नहीं सकते क्या ये आज आखिरी सहरी है, हो सकता है कल रात को चांद रात हो सकता है कल रात को एक और सहरी मिल जाए। तो अल्लाह पाक से दुआ यही है कि अल्लाह पाक हमें एक और रमज़ान का रोज़ा दे दें, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमारे आपको याद होगा मौलवी हजरात को रात को 11 बजे चांद नज़र आ गया था, रात को 10:30-11 बजे, मुझे अच्छे तरीके से याद है रमज़ान का। तो बस अल्लाह खैर करे इस मरतबा भी कोई 11-12 के टाइम पर इनको कोई प्लास्टिक का चांद नज़र आ जाए, तो तवक्को तो अच्छी की रखनी चाहिए। हम तवक्को तो यही कह रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें एक और रमज़ान का रोज़ा दे दे और एक और हमें सहरी मिल जाए, अगर नहीं हुआ तो भाई फिर कल रात को चांद रात होगी और परसों हम इंशाल्लाह ईद की नमाज़ पढ़ेंगे और ईद का दिन सेलिब्रेट करेंगे, और अगर कल सहरी हो गई तो बहुत ज़बरदस्त हमें एक और रोज़ा मिल जाएगा, अल्लाह ताला की खास करम नवाजी होगी। तो देखते हैं भाई क्या होता है, अभी तो फिलहाल भूख लगी है, निहारी खाते हैं, चाय पड़ी हुई है, कबाब पड़े हुए हैं, इन सबको फिनिश करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। 8 hours later। अच्छा भाई ये चेक करें, ये दोनों अपनी छोटी बहन के साथ मस्तियों में लगे हुए हैं, और आज आमना बहुत मूड में है भाई, वैसे बहुत रोती है मगर आज काफ़ी मूड में लग रही है। ये देखें आमना भाई आज बहुत मूड में है माशाल्लाह,
आज तो रमेश सर भाई चेंज चेंज लग रही है। रमेश सर ने बाल कटवाए क्या? आज हेयर कटिंग करवाई है। वाह भाई वाह 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 वाह। इधर तो आओ, हेयर कटिंग तो दिखाओ अपनी। आपने नहीं करवाई क्यों भाई? आई लव माय हेयर। ऐसे क्यों भाई, आप भी तो करवाओ ना कटिंग। बुरी बात है ना, ईद आ रही है, कटिंग करवाओ अपने। अरे भाई हमारी आमना तो गंजी है, वरना इसके भी बाल कटवाते हम। हैं बाल हैं इसके, छोटे छोटे से भाई। इसकी कटिंग देखें बालों की, माशाल्लाह से बहुत अच्छी कटिंग करवाई है हमारी बच्ची ने। इसके बाल बहुत बड़े हो गए थे भाई। इधर आ थोड़ा सा। वाह भाई वाह वाह, अब छोटे हो गए ना, अभी अच्छे लग रहे हैं, वरना बहुत बड़े बाल हो गए थे आपके। अब बड़ा नहीं, मुझे भी कैमरा में लिया जाए। हैं अच्छा, आप मूड बुला रही हैं। हम आप क्या हो उसकी? अच्छा आप उसकी बहन हो, हमें तो पता ही नहीं था। और बड़ी हमें तो भाई पता ही नहीं था। आप इसकी क्या हो, सही सही बताओ हमें दोबारा। हैं? ये तो कह रही है ये मेरी खाला है। भाई खाला के दांत भी टूटे हुए। आमने कह रही है कि ये मेरी खाला है। ये आप खाला हो इनकी? आप ही हो आप, माशाल्लाह। 5 hours later जी भाई, ये मे भी हो सकता है हमारी आज लास्ट इफ्तार हो, और अगर आज रात को चांद नज़र नहीं आया तो इंशाल्लाह कल एक और रोज़ा मिल जाएगा, फिर कल इफ्तार भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो आज हमारे पास यहाँ पे इफ्तार के टाइम पे टेबल पे मौजूद है भाई बहुत ही ज़बरदस्त यमी सा पिज़्ज़ा। ये होममेड पिज़्ज़ा है, वाइफ ने बनाया है, देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। चीज़ और चिकन बहुत ही चीज़ी लग रहा है, और उसके साथ हमारे पास क्या है? स्पेगेटी। ये दोनों भाई बैठी हुई हैं, स्पेगेटी की दीवानियाँ। हाँ भाई पसंद है? हमेशा आपको पिज़्ज़ा पसंद है? रमेशा भाई बहुत प्यारी लग रही है, जब से बाल कटवाए हैं ना, बहुत प्यारी लग रही है। नहीं बहुत प्यारी लग रही है। 1 hour later जी, ये काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, इन्होंने कोई अपने कपड़े शपड़े यहाँ पे रखे हैं, ईद की शॉपिंग की है, तो वो आज इन्होंने दिखाने हैं। भाई ये भाई क्या किया है आप लोगों ने, ये तो इस तरह आपने सामान रखा है जैसे वो शादी ब्याह में नहीं दिखाते लोग। सबसे पहले कौन दिखाएगा? सबसे पहले हेयर ब्रश दिखाया अपना। अच्छा इसके अंदर क्या है? ये क्या क्या चमक क्या रहा है, क्या है अंदर ये क्या? अच्छा ग्लिटर डाला हुआ है भाई, और स्क्रॉगरी है इस डॉग का नाम। वाह भाई वाह 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 वा, जबरदस्त। ये भाई आज इन्होंने अपने लिए ब्रश लिया है, और क्या लिया था अपने लिए आपने? बताएं ना और क्या था। दिखाओ। चलो दिखाओ दिखाओ अपना दिखाओ आप। अच्छा ये आपने छोटे छोटे बालों के लिए अपने पिन लिए भैया, इन्होंने आज ही हेयर कटिंग करवाई है। ये देख सकते हैं आपने, ये हमारी रमेशा है, इसके दांत चूहा खा गया है, मगर इन्होंने देखें ये छोटी छोटी देखें पिन्ने दिखाएं मुझे, दिखाएं मुझे पिन्ने दिखाएं। ये देखें भाई, ये इसने छोटी छोटी स्पिन्स ली हैं अपने बालों में लगाने के लिए कोई, तो चलें ये भी अच्छी हैं। और आगे बताएं फटाफट, ये क्या है? वाह भाई वाह 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 वाह, और जल्दी जल्दी दिखाएं। और मेरे पास एक प्यारी सी वॉच, इसका मसला नहीं करना पड़ेगा, सिंपल। अच्छा ऐसे होती है, क्या बात है। ऐसे दिखाओ ना, ऐसे दिखाओ, शाबाश, सही है भाई, अच्छी। आपकी घड़ी कौन सी है वॉच? अरे वाह भाई वाह वाह वाह, आपने पिंक कलर में लिए, ठीक है। और भाई आयशा और दिखाएं। अच्छा ये 2 बज रहे हैं, ये आपके हैं, ठीक है। और दिखाएं जल्दी जल्दी,
और हमारे पास है एक प्यारी सी पोनी। वाह भाई वाह 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 वाह। और दिखाएं, चलें ठीक है, और दिखाएं जल्दी जल्दी। प्यारी सी पेंस। अच्छा जी। और ये प्यारी सी पेंस। अच्छा मैडिकल। अच्छा जी, क्या बात है भाई, ये लॉकेट दिखाएं मुझे। ये देखें भाई, ये लॉकेट वाले लिए इसने। चलें ठीक है। और मेहंदी भी ले ली थी, इसके बगैर ईद नहीं है। चले चले ठीक है। और आगे इसके बगैर भी नेल पेंट। अच्छा जी, नेल पेंट भी आ गया। और अरे वाह भाई, ये छोटी छोटी चूड़ियां तो दिखाओ, ये किसकी हैं? कड़े हैं बेबी के। ये भाई छोटे छोटे कड़े हैं भाई, ये इन्होंने अपने बेबी के लिए लिए हैं। वाह भाई वाह वाह वाह, जबरदस्त। इसमें कड़े लिए हैं और ये ले, बहुत ही ज्यादा क्यूट। बस मैं बास्केट दिखा देता हूँ ना, इसमें इतना सारा सामान इन्होंने भरा हुआ है। ये देखिए जी, ये इसमें इसका मुन्नी का आमना का भाई बैंड है, ये हेयर बैंड है। ये इसका एक और बाल, ये तो कल दिखाया था ना, आगे और दिखाओ आयशा, दूसरी चीजें। बस ये ठीक है, ये सारी देख ली। अब कपड़े दिखाएं। अच्छा भाई, अब ये क्या दिखा रहे हैं? अब ये दिखा रहे हैं हमें, अच्छा जी, ये पर्स है इनके छोटे छोटे। अच्छा भाई, आप ये मैजिक दिखा दिया आपने। आप दिखाओ मैजिक, आपका कौन सा है? फ्रंट से दिखाओ, फ्रंट से क्या बना हुआ है? क्या बना? ओए होए, बटरफ्लाई बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत सा। क्या बात है भाई। हाँ भाई, अब ये भाई इनके ईद के दो दो तीन तीन सूट्स हैं, करीब दिखाएं। ये आयशा का सूट है भाई, आप देख सकते हैं, ये इस पर डोरी शोरी लगी हुई है। और ये आयशा का, ये देख सकते हैं आप, ये पूरा एक सूट है। आ जाएं भाई रुमेसा, अब आप दिखाएं। ये इन्होंने एक वाइट फ्रॉक ली है भाई रुमेसा ने, ये देख सकते हैं आप। फ्रंट से दिखाएं ना बेटा, फ्रंट से दिखाएं। ये भाई ठीक है, आपकी फ्रॉक भी हो गई। और एक सूट भाई आयशा का ये है। अब ईद पे कौन सा पहनेंगे ये भी तो बताएं व्यूअर्स को। क्यों? बस आप लोग देख लेना, व्लॉग आएगा ना। अच्छा, ये सरप्राइज देंगे। यस, कपड़े दिखा रहे हैं ना, दिल नहीं बता सकते। अच्छा दिखाओ दिखाओ, फ्रंट से दिखाओ ना। और ये देखो, ठीक है भाई, ये एक और सूट है आयशा का, स्लीव्स दिखाओ। सही है भाई, वाह भाई वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त। ये रुमेसा का तो बड़ा जबरदस्त सा है, इस पे तो वो टेडी बियर भी बना हुआ है। क्या बना हुआ है, करीब ले आओ। रैबिट बना हुआ है। अच्छा भाई, ये एक रुमेसा का एक और है। अब भाई ये आयशा की एक और शर्ट है भाई, बड़ी ज़बरदस्त सी। ये देखें बैक साइड से भी इसके वो ज़बरदस्त हैं। ये देखें ये फ्रंट पे भी इसकी क्या केट बनी हुई है। और वो ये देखें, ये पीछे से भी बड़ा ज़बरदस्त सा लग रहा है भाई। ठीक है, इसके साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त सी, ये एक पैंट लिए, बहुत स्लिम है। हाँ ठीक है, हल्का कपड़ा है। ओके, हमारी ईद की शॉप। रुमेसा ने भी ऐसा येलो लिया है, वाह भाई वाह, दोनों बहनों का एक जैसा है। चलें भाई, अब व्यूअर्स को हम ये देते हैं ऑप्शन की, चलें थोड़ा सा हमें कमेंट बॉक्स में आप बता दें कि ईद पे कौन से ड्रेस पहनेंगे, येलो ब्लू या ये। जो भी देखने वाले हमारे व्यूअर्स हैं उन सबसे भाई एक रिक्वेस्ट है कि आप हमें वीडियो देखें जब इनकी शॉपिंग की, तो एक आइडिया बता दें कमेंट सेक्शन में कि ईद पे ये कौन से कपड़े पहनने वाले हैं। ये आपके सामने येलो ड्रेस है, ब्लू है, और एक ड्रेस ये पड़ा हुआ है, और वाइट फ्रॉक है रुमेसा की। तो माशाल्लाह से अभी ये आपने हमें कल के व्लॉग में बताना है कि भाई ये ईद पे कौन से पहनेंगे। ये क्या है भाई? शूज़। अच्छा जी, बड़े ज़बरदस्त से शूज़ भी लिए हैं आप लोगों ने, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चलें, शूज़ भी बड़े ज़बरदस्त हैं। अरे वाह, मैचिंग मैचिंग, वाह भाई वाह 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 वाह। आपने भी ऐसे ही लिए आयशा जैसे, सेम सेम? यस, हमने कुछ चीज़ें सेम सेम रखी। ये क्या है? ये बेबी के लिए बैग। अच्छा, ये बेबी आमना के लिए लिया है भाई इन्होंने, आने जाने के लिए, कि इसका कोई इसमें वो दूध वगैरह फीडर वगैरह कहीं जाते हैं तो ये उसके लिए लिया है, आमना के लिए। बहुत ज़बरदस्त है ये भी। अच्छा जी, ये एक आमना का सूट है भाई। अब आपने बताना है कि आमना ईद पे कौन सा पहनेगी। एक ये सूट है, ये उठा के दिखाएं मुझे सूट, ये देखें। एक भाई आमना का ये सूट है, बड़ा ही प्यारा सा, इसके साथ ट्राउजर। और ये इसके साथ छोटा सा ट्राउजर भी है। ठीक है भाई, अब और सेकंड
ड्रेस है ये? एक ये सूट है भाई आमना का, ये भी बड़ा जबरदस्त है। एथलेटिक बैंड है ये। अच्छा वाह भाई वाह। इसके साथ ये पैंट है। अच्छा जी ये पैंट बैंड भी है। एक ये रमेशा को तो बहुत जल्दी है भाई, ये दिखा दो रमेशा वाला मुझे उठा के। और ये एक ट्राउजर है। ये किसका है? ये इस वाले का है? या। अच्छा इसका है, दिखाओ ये वाली शर्ट दिखाओ उठा के। वाह भाई वाह वाह वाह। आमना के भी बड़े जबरदस्त कपड़े लिए हैं आप लोगों ने, मतलब आपने इस मरतबा ईद पे मेला लूट लिया है और सारी शॉपिंग कर दी है। बाबा से पूछा भी नहीं, मम्मा से पूछा भी नहीं कि भाई आप लोगों के क्या चाहिए। मम्मा ने भी खरीदे हैं अपने। अच्छा क्या खरीदा है? मम्मा का तो दिखाओ फिर, ये तो छुपे रुस्तम हो। अच्छा जी ये आपकी मम्मा ने लिए हैं, ये क्या है? ये तो कोई मार्कर तो नहीं है पेंटिंग वाला? ना, ये क्या है? लिप लाइनर। अच्छा लिप लाइनर। और ये पता है मम्मा क्या लिए? ये क्या लिया है? फेस किट है ये। अच्छा जी ये दिखाएं। चले और उनमें से आपके पास क्या है मम्मा का? अच्छा ये पता नहीं क्या, नोज प्योर स्ट्रिप से। ये क्या है? ये मुझे समझ नहीं आ रहा सर। दिखाएं ये भी, ये भी कोई चीज है भाई, इनकी इंस्टा ग्लो पता नहीं क्या होता है ये, दिखाओ तो सही। अच्छा भाई जी भाई अब दोनों आ जाएं सामने, इजाजत है। आपकी शॉपिंग सारी हमने दिखा दी, इधर देखें कोई परेशानी तो नहीं है, कंप्लीट हो गई, सब दिखा दिया, कोई चीज रहती तो नहीं है। ठीक है अब आप अपने ऑडियंस को क्या बोलेंगी कि पहले दिन कौन सा पहन रही हैं? आप लोगों ने डिसाइड करना पहले दिन में सब इनमें से कौन सा पहनेंगे और सेकंड डे कौन सा पहनेंगे, देखते हैं कौन सा ही गेस्ट करते हैं। चलें जी आप इनको कमेंट्स में बता दें भाई कि पहले दिन कौन सा पहनेंगी, इन्होंने क्या माइंड बनाया हुआ है, तो अगर सजेशन आपकी सही हुई तो हम उसका यहीं पे वीडियो में नाम अनाउंस कर देंगे कि हाँ भाई आपने, उसको कमेंट्स में रिप्लाई कर देंगे कि हाँ भाई आपने बिल्कुल सही बताया है। चलें ठीक है ओके जी। चलें बस अब इनको आप समेटें जल्दी जल्दी। बाबा आपने आमना को सिला दिया? शोर नहीं करना और बस अभी इसको वहाँ पे जाके अपनी जगह पे सुलाते हैं, सही है? और अभी इसने दूध दूध पिया है, फिर अभी उठेगी तो बहुत परेशान करेगी। ठीक है चलें बस अभी आपने यहीं पे, हम अपने व्यूअर्स से भी इजाज़त चाहते हैं। अच्छा जी इंशाल्लाह ताला नए व्लॉग के साथ कल आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। अभी आमना देख रहे हैं आप काफ़ी रोई है और अब कुछ बेहतर है, आराम आ गया है, इसको दूध वूध पिया है इसने, तो इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह।